हाथ जोड़ दीजिए, गणपति को स्मरण करें। अब आप ध्यान से समझेंगे क्या क्या कर रहा हूं, और ये कैसेट में संग्रहित है जो बोल रहा हूं, कैसेट में है, कहीं भूल जाए तो कैसेट को सुन ले वापिस। कैसेट का मतलब गुरु आपके घर में बैठे हुए हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। सुबह लगाया आप गुरु जी की आवाज सुन रहे हैं, नानंद सिमाली की आवाज नहीं, गुरु की आवाज सुन रहे हैं। एक वातावरण बनेगा, एक निर्माण होगा, एक निर्माण बनेगा। श्रीमन महागणाधिपति नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यान नमः, उमामेश्वराभ्यान नमः, सतीपुंदराभ्यान नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वासु देवताभ्यो नमः, वाणी निर्भाभ्यान नमः, सतीपुंदराभ्यान नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सुमुखस्ते दंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्थ विक्टो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्नादिक्षो भालचंद्रो उजानना द्वादशैतान्नामानीय भणेशुनादिभिः विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्मिता संग्रामे संकटे चैवा विघ्नस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं सर्वजं प्रसन्नवदं ध्यायै सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्ते सांजयस्ते सांकृतस्ते सांपराजय येषामिन्दी वृषामोदयस्तोऽपि नर्न अभीषितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यम सुराश्रयी सर्वविघ्नहरस्मि गणाधिपतये नमः। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। तत्रातु संकल्पं कुर्यात्, दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प करिए। और आपके पास 45 साल की उम्र में भी जल पात्र नहीं है जो पास में रख सकते, पंच पात्र नहीं है, आचमनी नहीं है, मगर जेब में 25 रुपए तो हैं, तो पत्नी भी है, पर जल पात्र नहीं है आपके पास, क्योंकि वो 7-8 रुपए खर्च होते हैं और ड्राइवर को रखना भी नहीं चाहिए उसको। ओम विष्णु 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 भारतवर्षी बरखंडी जम्बूदी पे शालिमान साके बोधा बतारे समसे समुद्र में गोसमता 2054 श्रवण मासे सुष्णु पक्षी आता पूर्व आता समसाधि पूरा कल्याणतम भौम वासे अप्राप्त लक्ष्मी प्रदम प्राप्त लक्ष्मी काल हम सकल काम सिद्धतम लोके वासे महाराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त बारे सस पुत्र सस बांधव से अखिल कुटुंब सहित सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु आयु आरोग्य तमाम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र या जाति बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, ताम पुरुता एतो संभक्ताम संता पुरा सिद्ध उमावती सिद्धये ताम तुभ्यम संपर्दे छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतम धारयामि नमः, सफेद धागा जो है माला की तरह गले में पहन लीजिए। यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापति रिया सहजम पुरुषात आयुष मुग्रम पटन समुद्रियामि गले में पहन एतावनुपर तुम ब्रह्मतम धार तमया जीर्ण त्याग परित्याग गोगच्छ सूत्र था सुखम। अब आप स्वामी कुंकुम है, कुंकुम से अपने ललाट पर तिलक करिए। नमो शुंधाय सहस मूर्त सहस पादाक्षरोद्भावे सहस नाम ने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि उदाहरण नमः। शिखाबंधम चोटी की गांठ लगाइए। मानस्तोकित नहीं मान आय मानो गोकु मानो अश्वे तत्रादु साम हेतु स्वानम से यंत्र स्नानम कुर्यात। अब यंत्र को बाएं हाथ में ले लीजिए और जो गुटिका है वो भी ले लीजिए। बाया लेफ्ट हैंड वो आपका लेफ्ट हैंड, यंत्र और गुटिका दोनों, यंत्र सीधा होना चाहिए, देख लेना ऊपर धूमावती यंत्र लिखा हुआ है, नीचे मंत्र लिखा हुआ है। जल से स्नान कराइए। ओम अरुणशोतम भनमसी वरुणनीस्तो वरुणशतमासीद पय स्नानम समस्ताम दूध से पया पृथिव्याम पय औघधि उपयोधिगुण तरीक्षे पयोदाह पयशवती दिशा संत वयम दधि स्नानम समस्तामि नः कृत स्नानम समस्तामि नः मधु स्नानम समस्तामि नः शर्करा स्नानम समस्तामि नः पंचामृत स्नानम समर्पयामि नः तत्रादो पुनः गंगा जलम स्नानम समर्पयामि नः। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताश्विना श्वेता श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपते कर्णाम जावाम अवदरुद्रम शुद्ध स्नानम समर्पयामि नः प्रच्छयामि। दुपट्टे से पहुंच लीजिए। फिर यंत्र पर दो बिंदियां लगाइए कुंकुम की। तत्रादौ पूर्ण सुख शांति सौभाग्य दंडा प्रतिष्ठा कुर्यात तत्रादौ पूर्ण साधना सिद्धि प्रति संप्रदाय तत्रादौ काल भैरव गुटिका के ऊपर एक बिंदी लगाइए। पूर्ण काम धूम 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 काम काम काल भैरवाय नमः तत्रादौ अक्षरम समर्पयामि नमः अति चढ़ाइए। ओम अक्षरम अक्षर समर्पयामि नमः ताम पुरुष्याम। अब इसके ऊपर माला रख दीजिए और माला के ऊपर भी एक जो उसका सुमेरु है खत्म होता है वहां पर कुमकुम का तिलक करिए। माले माले महामाये शर शक्ति सुपणी शत्रुवर्गस्तरी तस्मिन् तस्मान् निशिताम् भवः। अब दोनों हाथ जोड़ दीजिए साथ में लगा दीजिए और मेरी तरफ देखिए, मैं मंत्र प्रयोग कर रहा हूं।
ओम धाम धूमावती सा पूर्व स्वर्णम शक्ति कल्याणतम सा चिंतियामी प्रत्वा सा दीर्घ होत स्वर्णम सनिधि पूर्व कल्याण मित्रि पूर्व सा चिंतियामी प्रत्वा पूर्व पूर्व सुख सौभाग्य धन धान्य यशा प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अवलाद पूर्णतम दीर्घ सा चिंतियामी पूर्ण आयु आरोग्य एतो कृति कल्याणतम सा समाप्ति पूर्व सा चिंतियामी दीर्घ वत्तो तो पूर्व सामग्री गति सा कल्याणतम दीर्घ सा चिंतियामी खेत बोल जेतवाम वाय वस देव वस सविता प्रार्पित श्रेष्ठ माय क्रमण आप पियाम मान दाभाग सुमावत सुमावत कुमकुम लगा वो यंत्र पर अपने हाथ से लेकर के ललाट पे लगा दीजिए और माला को गले में पहन लीजिए। मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ बोलेंगे। ओम धूम धूम धूमावत्यै फट, ओम धूम धूम धूमावत्यै फट, ओम धूम धूम धूमावत्यै फट। तथा दूसरा धूम आशीर्वाद पठे तो ये नीचे रख दीजिए, हाथ खोल दीजिए। मंत्रार्थ सुखा संतो आदिशी समाशमारोग्यम महरत्मन इदानीं धनं प्रतिलाभम सत्संवत्सरं दीर्घमायुः श्रीष्ठते लक्ष्मी सुपत्न्यां भवरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपसंभवा तमश्निघाणा ममिघाणा सर्वलोकम् मयिघाणः। अब इसके पांच बिंदु हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ कि साधना कैसे करनी है। आप सबसे पहले तो आपके घर में आसन सफेद या पीला जो भी हो आसन बिछा हुआ हो, सामने किसी पात्र में ये यंत्र स्थापित हो, गुटिका स्थापित हो, आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो, पूर्व या उत्तर नहीं, दक्षिण दिशा की आपका मुंह हो और सामने यंत्र हो, ये गुटिका हो और तेल का दीपक हो, तेल कोई भी प्रकार का यूज हो और धोती पहनी हुई हो, पैंट पहन के काम नहीं चलेगा और सिले हुए वस्त्र नहीं, बनियान भी नहीं हो, कुर्ता भी नहीं हो, केवल तहमत की तरह धोती बांध दें या जैसे मैं बांधता हूँ वैसे बांधते। और रात्रि को यह साधना करनी है और जो आंखों ने माला दी है इस माला से मंत्र जाप करना है और रोज 21 माला मंत्र जाप करना है, 11 दिन तक करना है। 21 दिन में आपको पौन घंटा लगेगा, छोटा मंत्र है। उस बीच में आपको उठना नहीं है, यानी ऐसा बीच में उठ जाए और यथासंभव एक समय भोजन करें, यानी यथासंभव कहा है, अगर नहीं रह सकें तो दोनों समय कर लें। तो दोनों समय करने से आलस्य बढ़ जाएगा, रात को बैठ नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, जमाई लेंगे और आलस्य आएगा। जब 21 11 दिन पूरे हो जाएं, तब किसी कन्या को भोजन करवा दें, उसको कोई वस्त्र दे दें, 5 रुपये या 25 रुपये उसको दान दे दें और फिर ये जो मंत्र है इस मंत्र की 21 माला आहुति दे दें घी में, यज्ञ कुंड लगा दें, लकड़ियां लगा दें और घी लेकर के और सरसों लेकर के काली मिर्च लेकर के उस 21 आहुतियां देनी है इसी मंत्र की। स्वाहा बोलना है, धूम धूम धूमावती फट स्वाहा, ओम धूम धूम धूमावती फट स्वाहा। ये होगा 22वें दिन, 21 दिन कर 12वें दिन, 11 दिन करेंगे 12वें दिन ये होगा, तब इसको आप संपन्न समझिए इस प्रयोग को। आपका कैसा अनुभव होगा, आप कह रहे हैं कि इसमें कैसा होगा, इस बीच में ही यदि आपको ध्वनि आती है, आवाज आती है, घुंघरों की खनक आती है, सुगंध व्याप्त होती है तो समझिए आप सही। उसके बाद में ये नदी में ये माला प्रवाहित कर देनी है, ये जो माला है ये एक ही पवित्र है, प्रवाहित कर देना है। ये यंत्र उसके बाद भी रखना है और किसी दूसरी माला से फिर आपको अगर सफलता नहीं मिल पाए तो 11 दिन का एक और पुरुषन करना है। ज्यादा से ज्यादा 3 पुरुषन होते हैं, अगर कोई सफलता पहली बार मिल जाती है, किसी को दूसरी बार मिलती है, किसी को तीसरी बार में तो मिलती ही मिलती है। पहली बार में सफलता मिल जाए तो फिर आपको दूसरा प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, बीच में गैप देकर के फिर दूसरी बार भी स्टार्ट कर सकते हैं। किसी दूसरे में नहीं मिले तो तीसरी बार करें, मैं कंटिन्यूटी नहीं, एक बार 11 दिन की कर ली, नहीं सफलता मिली तो कन्या को भोजन भोजन तो करवाएंगे, फिर 4-5 दिन के बाद में फिर शुरू कर सकते हैं या महीने भर बाद फिर शुरू कर सकते हैं। तो यंत्र आपके पास रहेगा, माला एक दूसरी यूज करने की जरूरत है, तो यज्ञ पवित्र को दूसरा बदलना पड़ेगा जो आपने दिया। यदि आपको मेरा शंका रही नहीं होगी और रजस्वला समय हो, स्त्रियां करें
तो एमसी पीरियड में इसको नहीं करें, फिर उसके बाद वापस कंटिन्यूस कर लें। आप कभी कभी खंडित हो जाए, माला नहीं जप करें, नहीं कर पाए, तो वापस नए सिरे से शुरू करें। 11 दिन तक आप रेगुलरिटी होनी चाहिए आपकी, नहीं रेगुलरिटी होती है तो समझिए खंडित हो गई, फिर नए सिरे से शुरू करेंगे। दूसरे स्थान पर जाएं तो यंत्र चित्र माला दीपक वगैरह लेके जाएं, वहां आप करें, तो उनको दोष नहीं है। और शुद्ध वहां नहीं होता, अपना फल खा लें, उसके घर का नहीं खाना हो तो फल बाजार से लेके खाएं, और अन्न खाएं तो अच्छा अच्छा घर का अन्न, दोष नहीं। ये सभी घर अच्छे ही हैं, मगर फिर भी यथासम शुद्ध पवित्र बने रहे तो अच्छा है। अब आज जोड़ दें, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या। अन्याम पूर्याम सांगाय स परिवार आय सावधाय सृतिकाय पूर्णत्व ज्ञान प्राप्ताय मम धूमावती सिद्धये ताम मनोवांछित कामधर्तुभ्यं संवर्धये तत्र आरार्तिकं कुर्यात्। अब आप खड़े हो जाए, आरती करेंगे, सामग्री नीचे रहने देना। सार सारं भुजगेन्द्रहारं सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे भक्त जना के। ओ स्वामी दुख विनाशे मन का सुख संपत्ति। कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे माता पिता। स्वामी शरण पढ़ू मैं किस की, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करू मैं जिस की। ओम जय तुम पूरण परमात्मा तुम विधा मिलो कपामय तुम को मैं तुम
की आज के आनंद की बोल हर हर महावीर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव सर्वम्। तुम्हें महारा पूर्वा तो संध्यापति कल्याण तमसा दीर्घ दुमावती साधना साम सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सर्वस्याम सुख शांति सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य ताम पृथ्व्यम संपर्द दे। बाप चरण स्पर्श कर लें। और जो पिछले दिनों में धुमावती गुटिका कुछ सिद्ध की हुई थी, जो पंडितों ने सिद्ध की थी, हो सकता है 15-20 हो या 2-4 हो, मुझे ध्यान नहीं है, तो आप फ्री उसको लें, उसमें कोई द्रव्य देने की जरूरत नहीं है, उतनी सामग्री ले लें और आप वो गुटिका आप लें जो आपको पहनने के लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए। जिन्होंने साधना की है, जिन्होंने साधना नहीं की है, कोई भी उसमें ले सकता है, जो आगंतुक है वो भी ले सकता है। किसी को मन में ये नहीं रहे कि मैं साधना नहीं कर पाया, अधूरा रह गया, ऐसा नहीं, आप कोई भी इसमें ले सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। वह पूर्ण सफलता के लिए आपके लिए हितकारी है, उपयोगी है। एक बार फिर मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ।